नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आई क्यू क्रैकर में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स का लेक्चर नंबर 10। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग एसीटी में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथड्स। तो पिछले लेक्चर्स में हमने जो है एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड एडवांस कंक्रीटिंग मेथड्स का चैप्टर जो है वो खत्म कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस कंस्ट्रक्शन मैथड्स। तो चलिए देखते हैं कि आज के ज़माने में हम लोग क्या क्या एडवांस कंस्ट्रक्शन मैथड्स को यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमें मेनली मैथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है कि आज के टाइम में हम लोग कितने एडवांस मैथड्स को अपनाते हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो इस चैप्टर में हमें जो है सिर्फ थ्योरी ही नहीं, हमें कुछ डायग्राम्स को भी ध्यान में रखकर चलना होगा। तो हमें जो है काफ़ी सारे डायग्राम्स देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में। तो मैं आशा करता हूं कि आप जो है डायग्राम्स को अच्छी तरह से खुद से प्रिपेयर करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमें सबसे पहला जो टर्म पढ़ना है वो है फॉर्मवर्क। तो फॉर्मवर्क क्या होता है, आपने कभी कंस्ट्रक्शन होते हुए तो देखा ही होगा, जब भी हमारा कोई भी कंस्ट्रक्शन पर्पज़ में कोई बिल्डिंग का छत ढलाई होता है या फिर कह सकते हैं स्लैब जो है ढलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, शटरिंग करते हैं, एक तरह से जो है फॉर्मवर्क बनाते हैं। आप देखते होंगे किस तरह से हम लोग जो है स्टील के प्लेट्स वगैरह डालते हैं या फिर लकड़ी के प्लेट्स डाल करके हम लोग जो है पहले एक तरह से फॉर्मवर्क बना देते हैं, पहले से ही एक रूप टाइप का बना देते हैं जो कि एक टाइप का टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर होता है। और उस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद हम लोग जो है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, वहाँ पर कॉन्क्रीट वगैरह डालते हैं और स्लैब को बना देते हैं। और कुछ दिनों के बाद जब हमारा स्लैब पूरी तरह से अपना स्ट्रेंथ को गेन कर लेता है तो हम लोग फॉर्मवर्क को वहाँ से हटा देते हैं। तो यही होता है हमारा फॉर्मवर्क, जो कि हमें हेल्प करता है परमानेंट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो एज हम लोग कह सकते हैं कि फॉर्मवर्क एक तरह का टेम्प्ररी स्ट्रक्चर होता है जो कि हम लोग को परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। तो यही होता है हमारा फॉर्मवर्क का डेफिनेशन। तो अब इसे अंग्रेजी में कैसे लिखना है ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब हमारा जो फॉर्मवर्क होता है उसका एक और नाम है, हम लोग उसे दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, और वो नाम क्या है, उसका दूसरा नाम है शटरिंग। तो फॉर्मवर्क को शटरिंग नाम से भी बुलाया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि ये एक अच्छा खासा फॉर्मवर्क बनाने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, क्या क्या हम लोगों को करना पड़ता है तभी हम लोग एक अच्छा खासा फॉर्मवर्क बनाते हैं, यानी कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड फॉर्मवर्क। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला रिक्वायरमेंट तो ये होता है कि हमारा जो फॉर्मवर्क होता है उसको हम लोग अच्छी तरह से कंस्ट्रक्शन करें, एक स्मूथ फॉर्मवर्क बनाए जो कि हिले डुले नहीं, कहीं से भी क्रैकिंग ना हो, कहीं से भी टूटा फूटा ना हो। तो ये हमारा पहला रिक्वायरमेंट होता है। अब हमारा दूसरा रिक्वायरमेंट ये होता है कि हम लोग जो है फॉर्मवर्क को ज़्यादा से ज़्यादा हल्का बनाने की कोशिश करते हैं। जितना ज़्यादा हल्का फॉर्मवर्क होगा उतना ज़्यादा बेटर होगा हमारे कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आता है वो ये आता है कि हमारा जो फॉर्मवर्क का मटेरियल्स होता है वो ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए और ड्यूरेबल होना चाहिए, हम लोग उसको बाद में भी आगे चलकर यूज कर सके, बाद में भी उसको जो है निकाल करके दोबारा से यूज कर सके, ऐसा फॉर्मवर्क का हमारा मटेरियल होना चाहिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमारा जो फॉर्मवर्क का मटेरियल होता है, मटेरियल हम लोग आगे इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं क्या क्या यूज करते हैं। तो हम लोग जो भी मटेरियल यूज करते हैं फॉर्मवर्क में उसका जो है स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए ताकि वो जो है होल्ड कर सके कॉन्क्रीट के या फिर कोई भी हम लोग मटेरियल उसके ऊपर डालेंगे तो उसका लोड जो है होल्ड कर सके, वहां पर कोई भी डिफ्लेक्शन ना होने दे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो है अगर रूफ वूफ बनाते हैं उसके लिए एक फॉर्मवर्क लगाते हैं और हम लोग ऊपर से कंक्रीट डालते हैं, रेनफोर्समेंट डालते हैं, तो रेनफोर्समेंट एंड कंक्रीट का वो अगर वजन ही नहीं ले पाएगा तो हमारा तो स्लैब एकदम डिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसका शेप खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमारा फॉर्मवर्क का जो है स्ट्रेंथ जो होता है मटेरियल का, जो हम लोग फॉर्मवर्क में यूज करते हैं, जो भी पटरा वगैरह स्टील वगैरह जो भी यूज करते हैं, उसका जो है स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए। तो हमने फॉर्मवर्क के बारे में तो जान लिया, अब चलिए हम लोग फॉर्मवर्क के टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा फॉर्मवर्क जो होता है वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहले आता है हमारा स्टील फॉर्मवर्क, फिर आता है हमारा ट्यूबुलर फॉर्मवर्क, और उसके बाद हमारा आता है स्लिप फॉर्मवर्क। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि स्टील फॉर्मवर्क क्या होता है। तो जो आपको इसके नाम से समझ में आ रहा है ये बिल्कुल वही है, स्टील फॉर्मवर्क वो होता है जहाँ पर हम लोग स्टील प्लेट्स वगैरह यूज़ करते हैं। जितने भी सामान हम लोग फॉर्मवर्क में स्टील का यूज़ करते हैं उसी को हम लोग स्टील फॉर्मवर्क में लेते हैं। तो स्टील फॉर्मवर्क को जो है आज के टाइम पर काफ़ी वाइड रेंज में जो है यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि हमारा स्टील का फॉर्मवर्क जो होता है वो काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ देता है हमें, काफ़ी ड्यूरेबिलिटी देता है, और साथ ही साथ हम लोग जो है स्टील को बार बार यूज़ कर सकते हैं। अगर स्टील के फॉर्मवर्क अगर डैमेज भी हो जाते हैं तो हम लोग उसको रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन टिम्बर्स के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए आज की डेट में जो है स्टील के फॉर्मवर्क को जो है काफ़ी वाइड रेंज में यूज़ किया जा रहा है, काफ़ी बड़े बड़े बिल्डिंग्स में यूज़ किया जा रहा है।
क्योंकि जो स्टील के फॉर्मवर्क्स होते हैं ना, उनको हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट करके जितना चाहे उतना साइज का बना सकते हैं, मनचाहा साइज हम लोग को मिल सकता है। हमें लंबा चाहिए तो लंबा मिलेगा, चौड़ा चाहिए चौड़ा मिलेगा, मोटा चाहिए मोटा मिलेगा, तो सब कुछ मिलेगा स्टील के फॉर्मवर्क में, सब कुछ मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग स्टील फॉर्मवर्क के कुछ एडवांटेजेस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला एडवांटेजेस आता है कि हमारा जो स्टील फॉर्मवर्क होता है वो काफ़ी स्मूथ सर्फेस हमें प्रोवाइड करता है। इसमें जो है फिनिशिंग काफ़ी अच्छा होता है, बहुत ही नाइस हमें फिनिशिंग मिलता है, क्योंकि हमारा जो स्टील फॉर्मवर्क होता है वो सभी स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट्स में होते हैं, और इनको जो है हमें लकड़ी के टिम्बर के फॉर्मवर्क की तरह काट छाट कर बनाना नहीं पड़ता, उनकी तरह जो है हमें काट कर इसे साइज में लाना नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो पहले से ही साइज में होते हैं। और जो हमारा स्टील का फॉर्मवर्क होता है इसका स्ट्रेंथ भी काफी अच्छा होता है, और इसको हम लोग बार बार जो है रीयूज कर सकते हैं। अगर ये डैमेज भी हो जाता है तो हम लोग जो है इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो एज अ हम लोग कह सकते हैं स्टील का फॉर्मवर्क जो होता है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल साबित होता है, और इससे हम लोग का जो है नेचर को भी ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं पहुंचता है। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले के टाइम में जो है टिम्बर का फॉर्मवर्क होता था, और टिम्बर तो हमें पेड़ों से मिलता था, पेड़ों को काटने से डिफॉरेस्टेशन होता था, और डिफॉरेस्टेशन होने से पॉल्यूशन और ग्लोबलाइजेशन होता था। तो इसी तरह से कह सकते हैं जो हमारा स्टील का फॉर्मवर्क होता है उसकी वजह से हमारा नेचर भी काफ़ी सुरक्षित हो जाता है, हमारा पेड़ जो है नहीं कटते हैं, हमारा डिफॉरेस्टेशन नहीं होता है। तो ये काफ़ी अच्छा एडवांटेजेस है हमारा स्टील का फॉर्मवर्क का। तो यही था हमारा स्टील का फॉर्मवर्क का कुछ एडवांटेजेस। और भी चाहिए क्या एडवांटेजेस? ओए और नहीं चाहिए, चल आगे बढ़, बहुत एडवांटेजेस कर लिया। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वेरियस स्टील फॉर्म एलिमेंट्स में। तो हमारे स्टील फॉर्मवर्क के एलिमेंट्स कितने होते हैं चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्टील फॉर्मवर्क का काफ़ी सारा एलिमेंट है, काफ़ी सारे चीज़ें होते हैं स्टील फॉर्मवर्क में। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारा सबसे पहले आता है स्टील प्लेट्स, फिर आता है एच फ्रेम, फिर आता है हमारा स्टील प्रोब्स, टेलीस्कोपिक प्रोब्स, एडजस्टमेंट स्पैन वगैरह वगैरह, और भी बहुत कुछ रहते हैं। तो चलिए इन सभी को थोड़ा सा ब्रीफली जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा स्टील प्लेट्स। तो स्टील प्लेट्स क्या होते हैं? स्टील प्लेट्स देखने में कुछ इस तरह के होते हैं, जिनको हम लोग फॉर्मवर्क में यूज़ करते हैं स्लैब लोग बनाने के लिए, कोई भी कॉलम्स वगैरह बनाने के लिए हम लोग जो है स्टील प्लेट्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे स्टील प्लेट्स जो होते हैं वो कितने डायमेंशंस में आते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 90 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 25 mm के डायमेंशंस में आते हैं वगैरह वगैरह। इस तरह के कई सारे डायमेंशंस में हमें जो है स्पेसिफिकली मेजरमेंट, स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट में हमारा जो है स्टील का फ्रेमवर्क्स आता है, स्टील का प्लेट्स आता है सॉरी। वेल, सभी तरह के स्टील के एलिमेंट्स जो भी होते हैं फ्रेमवर्क में, सबका एक स्पेसिफिक मेजरमेंट होता है, स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट के साथ ही आते हैं, क्योंकि स्टील को तो हम लोग बाद में काट नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमारा स्टील का जितना भी एलिमेंट्स होता है सबका एक स्पेसिफिक मेजरमेंट होता है। तो ये मेजरमेंट जो है आपको थोड़ा सा शायद ध्यान में रखना पड़ेगा, एग्जाम के टाइम में ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट एलिमेंट को। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है एच फ्रेम। तो एच फ्रेम्स क्या होते हैं चलिए देखते हैं। तो जो हमारा एच फ्रेम होता है वो स्टील का एक फ्रेम होता है जो कि एच शेप का होता है। एच शेप कैसा होता है ये तो आप लोग जानते ही हैं। एच शेप में हमारा दो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल रहता है, या फिर आप अगर उसको थोड़ा सा पलटी कर दे तो हमारा दो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल बन जाता है। तो ऐसा ही कुछ होता है मतलब एच फ्रेम। तो आप जो है फिगर में देख सकते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एलिमेंट में। तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आता है स्टील प्रॉप्स। तो स्टील प्रॉप्स क्या होते हैं चलिए देखते हैं। तो जो हमारे स्टील प्रॉप्स होते हैं इनको हम लोग आम भाषा में स्टील के खंभे भी बोल सकते हैं। इनको हम लोग यूज़ करते हैं स्टील प्लेट्स को सपोर्ट करने के लिए, और ये जो होते हैं इनका हाइट जो है वो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा हाइट का इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एडजस्टिंग करने के लिए हमारा जो है कुछ टूल इसमें प्रोवाइड किया हुआ है, तो इसी टूल की मदद से हम लोग जो है इसका हाइट को एडजस्ट करते हैं। तो यही होता है हमारा स्टील प्रॉप्स। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है टेलीस्कोपिक प्रॉप्स। तो टेलीस्कोपिक प्रॉप्स भी जो है स्टील प्रॉप्स के जैसे ही होते हैं, बस इनका शेप थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इनका शेप जो है वो टेलीस्कोप की तरह होता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एडजस्टेबल स्पैन। तो एडजस्टेबल स्पैन जो होते हैं वो स्टील के स्पैन्स होते हैं जो कि हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, उनका लेंथ को जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इनको जो है यूज़ किया जाता है हमारा स्टील प्लेट्स, सेंटरिंग प्लेट्स वगैरह को सपोर्ट करने के लिए। तो यही होता है हमारा एडजस्टेबल स्पैन। तो जो हमारा एडजस्टेबल स्पैन होता है ये दो साइजेस में आते हैं, पहला होता है हमारा जूनियर स्पैन, दूसरा होता है हमारा सीनियर स्पैन। तो जो हमारा जूनियर स्पैन होता है उसका साइज होता है 2.023 मीटर्स
एंड जो हमारा सीनियर स्पैन होता है उसका साइज होता है 2.424 meters, तो ये होता है हमारा एडजस्टेबल स्पैन। फिर हमारा नेक्स्ट आता है सेंटरिंग प्लेट, तो सेंटरिंग प्लेट भी बिल्कुल वैसा ही होता है जो हमारा स्टील प्लेट्स था, वैसा ही कुछ होता है सेंटरिंग प्लेट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कॉलम फार्मा, तो हमारे कॉलम्स को बनाने के लिए कुछ स्टील के फार्मास होते हैं जो कि दो तरह के शेप में जनरली आते हैं, एक स्क्वायर होता है एक राउंड होता है, तो ये आप जो है फिगर में देख सकते हैं किस तरह के होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आता है एडजस्टेबल कॉलम क्लैंप्स, जिनको हम लोग आम भाषा में शिकंजा भी कहते हैं, तो ये होता है हमारा शिकंजा जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में किस तरह का होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आता है प्रॉपिक्स, तो प्रॉपिक्स भी जनरली हमारा जो है स्टील प्रॉप्स के जैसा ही होता है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसको हम लोग बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाले जगह में यूज़ करते हैं। जब हम लोग बहुत ज़्यादा ऊंचाई में फ्रेमवर्क बनाते हैं तो प्रॉपिक्स को यूज़ करते हैं, तो ये जो है स्टील के प्रॉप से जो है बड़ा होता है। तो ये थे हमारे स्टील फ्रेमवर्क के कुछ बेसिक एलिमेंट्स। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट फ्रेमवर्क में आते हैं जो कि है हमारा ट्यूबुलर फ्रेमवर्क। तो ट्यूबुलर फ्रेमवर्क क्या होता है चलिए देखते हैं। तो जो हमारा ट्यूबुलर फ्रेमवर्क होता है ये भी स्टील के ही होते हैं, लेकिन ये जो है ट्यूब के शेप में होते हैं, ये जो होता है ट्यूब टाइप का होता है। तो आज की डेट में जो है टिम्बर्स को रिप्लेस कर दिया है ट्यूबुलर फ्रेमवर्क और स्टील फ्रेमवर्क ने, तो हम लोग का टिम्बर जो है आजकल ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो ट्यूबुलर फ्रेमवर्क जो होता है आजकल जो है काफ़ी वाइड रेंज में यूज़ हो रहा है। और जो हमारा ट्यूबुलर फ्रेमवर्क होता है उसमें हमें कई तरह के मैकेनिकल सिस्टम्स देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल कप लॉक सिस्टम हो गया, यू हेड हो गया, जैक्स हो गया, बेस प्लेट्स हो गया, तो ये सभी जो है हमें ट्यूबुलर फॉर्मवर्क में देखने को मिलता है। तो ट्यूबुलर फॉर्मवर्क जो है आजकल काफी वाइड रेंज में यूज हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग ट्यूबुलर फॉर्मवर्क के कुछ एडवांटेजेस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला एडवांटेजेस तो आता है एडेप्टेबिलिटी, कि ट्यूबुलर फॉर्मवर्क में हमारा एडेप्टेबिलिटी काफ़ी अच्छा होता है, हम लोग कहीं भी ट्यूबुलर फॉर्मवर्क को यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो छोटा काम हो चाहे वो बड़ा काम हो, छोटा बिल्डिंग हो बड़ा बिल्डिंग हो, लंबा बिल्डिंग हो पतला बिल्डिंग हो मोटा बिल्डिंग हो, जो भी हो हम लोग वहाँ पर ट्यूबुलर फॉर्मवर्क को अडॉप्ट कर सकते हैं, तो इसका एडेप्टेबिलिटी काफ़ी अच्छा होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एडवांटेज आता है अवेलेबिलिटी, तो अवेलेबिलिटी जो होता है ट्यूबुलर फॉर्मवर्क का वो भी काफ़ी अच्छा है। आज के टाइम में हम लोग को सभी जगह में जो है ट्यूबुलर फॉर्मवर्क देखने को मिल जाते हैं, सभी जगह पर हमें ये अवेलेबल भी हो जाते हैं, तो ये भी इसका एक अच्छा एडवांटेजेस होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एडवांटेजेस है कि इसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा सिंप्लिसिटी होता है, हम लोग को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ट्यूबुलर फॉर्मवर्क में हमें काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ मिल जाता है और ज़्यादा हमें फॉर्मवर्क इसमें डालना भी नहीं पड़ता है, ज़्यादा एलिमेंट्स भी नहीं लगते हैं इसके फॉर्मवर्क को बनाने के लिए। फिर हमारा जो ट्यूबुलर फॉर्मवर्क होता है इसको लगाने के साथ साथ इसको निकालना भी काफ़ी आसान होता है, इसका हमें स्क्रैप वैल्यू भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, और ये जो होता है फायर रेजिस्टेंट होता है, टिम्बर की तरह जलता नहीं है। तो ये थे इसके एडवांटेज। तो चलिए अब थोड़े से इसके डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं। तो इसका मेन डिसएडवांटेजेस तो यही है कि इसमें हमें जो है इनिशियल कॉस्ट काफी ज्यादा लगता है। सीधी सी बात है भाई, ज्यादा क्वालिटी मिल रहा है ज्यादा स्ट्रेंथ मिल रहा है तो ज्यादा पैसा देने में क्या हर्ज है, थोड़ा सा तो ज्यादा पैसा लगेगा ही। फिर हमारा इसमें नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस ये आता है कि इसमें जो है हमें स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है इनको फिटिंग करने के लिए, इसमें जो है टिम्बर की तरह नहीं है कि हम लोग कांटी ठोक करके इसको बना दें, इसको जो है फिटिंग करने के लिए हमें स्किल्ड लेबर चाहिए होते हैं। फिर हमारा इसमें जो है पेंटिंग वगैरह करना पड़ता है ताकि इसमें हमारा जंग वंग ना लग जाए, ये जो है कॉरिजन ना हो जाए, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेजेस होता है। तो ये था हमारा ट्यूबुलर फॉर्मवर्क। अब आते हैं हम लोग अपने फॉर्मवर्क के नेक्स्ट टाइप में जो कि है हमारा स्लिप फॉर्मवर्क। तो जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसमें काम भी होता है, हम लोग स्लिप करते 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 फॉर्मवर्क बनाते हैं और स्ट्रक्चर को बनाते 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 ही इसको जो है साथ ही साथ लेके जाते हैं। समझ नहीं आया? स्लिप फॉर्मवर्क में क्या होता है कि हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहाँ पर एक फॉर्मवर्क बनाते हैं, जैसे ही वो स्ट्रक्चर ही हो जाता है फिर उसको स्लिप करके ऊपर ले जाते हैं, फिर वहाँ पर बनाते हैं, फिर इसको बनाते हैं, फिर ऊपर ले जाते हैं, फिर बनाते हैं, फिर ऊपर ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉलम्स वगैरह बनते हैं ना, जैसे एक फॉर्मवर्क बनाया जाता है वहाँ पर कॉलम को ढाला जाता है, कॉलम जैसे ही स्ट्रेंथ गेन कर लेता है फिर हम लोग फॉर्मवर्क को ऊपर ले जाते हैं स्लिप करके, तो उसी तरह टाइप का जो फॉर्मवर्क होता है उसको हम लोग स्लिप फॉर्मवर्क बोलते हैं। स्लिप करते करते हम लोग ऊपर ले जाते हैं वगैरह वगैरह, जो भी करते हैं स्लिप करते हैं ना यार, तो वही होता है हमारा स्लिप फॉर्मवर्क। अब हमारा जो स्लिप फॉर्मवर्क होता है उसके भी कुछ एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, तो चलिए उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा यहाँ पर शीटिंग, फिर आता है वेल्स एंड रिब्स, और फिर आता है हमारा योक्स, फिर आता है हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म्स जिसको हम लोग डेक्स भी बोलते हैं, फिर आता है हमारा सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग, फिर आता है हमारा लिफ्टिंग डिवाइसेस जिसको हम लोग जैकिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। अब हमारा जो स्लिप फॉर्मवर्क होता है उसको करने के चार प्रोसेस होते हैं, तो सबसे पहले आता है हमारा वर्टिकल स्लिप फॉर्मवर्क जिसमें हम लोग वर्टिकली स्लिप करते हुए फॉर्मवर्क बनाते हैं, फिर आता है हमारा कैंटिलीवर स्लिप फॉर्मवर्क जिसमें हम लोग कैंटिलीवर
स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं स्लिप करते हुए, फिर आता है हमारा कॉनिकल स्लिप फॉर्मवर्क जिसमें हम लोग कॉनिकल स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, फिर आता है हमारा एग शेप्ड स्लिप फॉर्मवर्क। तो एग शेप्ड स्लिप फॉर्मवर्क जनरली हम लोग मंदिर मस्जिद में जो बनते हैं ना गोल गोल गुम्बद, उसको हम लोग एग शेप्ड स्लिप फॉर्मवर्क के प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। तो यही होता है हमारा स्लिप फॉर्मवर्क के चार प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग स्लिप फॉर्मवर्क करते हैं। तो अब हम लोग चलिए स्लिप फॉर्मवर्क के कुछ एडवांटेजेस को देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला एडवांटेजेस तो ये आता है स्लिप फॉर्मवर्क का कि जब भी हम लोग कोई स्लिप फॉर्मवर्क करते हैं तो हमारा जितना भी स्ट्रक्चर बनता है पहले स्ट्रक्चर बना के हम लोग स्लिप करके फिर ऊपर जाते हैं, तो हमारा ऊपर वाला स्ट्रक्चर भी जो होता है नीचे वाला स्ट्रक्चर से अच्छी तरह से मर्ज हो जाता है। तो इसकी वजह से जो है हमारा कोई भी जगह में जॉइंट्स नहीं बचता है, सभी जॉइंट्स जो है अच्छी तरह से फिल हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो है हमारा स्ट्रक्चर वाटरप्रूफ काफ़ी अच्छा हो जाता है, हमारे स्ट्रक्चर में वाटरप्रूफिंग क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी हो जाती है स्लिप फॉर्मवर्क की वजह से। अब हमारा नेक्स्ट एडवांटेज ये आता है कि इसमें जो है कंस्ट्रक्शन स्पीड हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, काफ़ी रैपिडली हम लोग कंस्ट्रक्शन कर पाते हैं क्योंकि हमें ये फॉर्मवर्क को स्टेप बाय स्टेप ही लगाना पड़ता है, एक ही बार में हमें फॉर्मवर्क लगा करके एक ही बार में ये करना नहीं पड़ता है। तो इसलिए हमारा जो है इसमें रैपिड स्पीड हो जाता है, इसमें हम लोग जैसा चाहे वैसा करके बना सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एडवांटेजेस ये आता है कि ये फॉर्मवर्क जो होता है काफ़ी सस्ता होता है, इसमें हमें कॉस्ट काफ़ी कम लगता है क्योंकि ये जो है हम लोग स्लिप करते करते ऊपर ले जाते हैं, थोड़ा सा बनाए फिर बनाए फिर बनाए, इस तरह करते करते ही हम लोग पूरा जो है स्ट्रक्चर को बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो है महीने भर का राशन एक ही बार में लाते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन अगर महीने भर के राशन को आप हफ्ते हफ्ते में लाएंगे थोड़ा कम आपको पैसा देना पड़ेगा। तो बिल्कुल यही लॉजिक यूज़ होता है स्लिप फॉर्मवर्क में, और इसमें जो है हमें कॉस्ट काफ़ी कम लगता है कंस्ट्रक्शन के टाइम फॉर्मवर्क को बनाने के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ एडवांटेजेस स्लिप फॉर्मवर्क के। तो यहीं पर हमारा स्लिप फॉर्मवर्क खत्म होता है, ओ फॉर्मवर्क भी यहीं पे खत्म होता है, और आज का लेक्चर भी यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप मिस ना कर सकें। धन्यवाद दोस्तों हमारा ये वीडियो देखने के लिए।